हेलो मैम का दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने जो मैंने चार्ट लगा रखा है वो एक टायर बनाने वाली कंपनी है और उसका मुकाबला बड़े बड़े दिग्गज कंपनी से है। जी हाँ, उसका मुकाबला MRF से भी है, बालकृष्णा इंडस्ट्री से भी। बट ये छोटी टायर बनाने वाली कंपनी है लेकिन काफी पॉपुलर टायर बनाने वाली कंपनी है। और जिस तरह से अभी मार्केट के सॉरी रबड़ के क्षेत्र में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और उसमें काफी तेजी बनी हुई है, इस वजह से सोचा कि मैंने इसके लिए आपके सामने इसकी कुछ स्थिति को प्रेजेंट करते हैं। ना तो हम बाइंग की रिकमेंड देते हैं, ना ही हम सेलिंग की रिकमेंडेशन देते हैं, ना ही हम इन्वेस्टमेंट की रिकमेंड देते हैं। हम सिर्फ आपके सामने स्टॉक की स्थिति को बताने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MRF टायर के बारे में और MRF सॉरी JK टायर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये छोटी कंपनी है तो JK टायर के बारे में बात करेंगे और उसके टारगेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी भी हमारे जरिए डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन ओपन हो रहा है। आप हमारे लिंक के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आपको हम मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग के लिए, साथ ही साथ ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए बहुत सारी फंडामेंटल जानकारी हम आपको साथ शेयर करते हैं। तो आप हमारे जरिए डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और चलिए उससे पहले हम देखते हैं JK टायर के बारे में। देखिए कंपनी का नाम हम ना तो छुपाया है ना कुछ बताया है, आपके सामने मैंने बता दिया। ठीक है, तो कंपनी की सबसे पहले जैसा कि हम आपके सामने लेकर के आते हैं वो है कंपनी की मार्केट कैप के बारे में हम बात करेंगे। तो कंपनी की मार्केट कैप फिलहाल के लिए अभी जो आज की डेट है, यानी आज की डेट का मतलब हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 15 जनवरी 2021। तो 2021 को जो है उसकी मार्केट कैप है 2236 करोड़ रुपए है, यानी कि ये मिड साइज कंपनी, इसको आप बोल सकते हैं काफी अच्छी काफी बड़ी और इसके टायर के क्षेत्र में काफी बड़ी कंपनी है। लेकिन अभी इसका पी एक्चुअली यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है, हो सकता है कि पी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो तो इस वजह से यहाँ पे पी को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। और इसका जो करंट प्राइस है वो 90 रुपए का है, लेकिन एक समय पर कोरोना के समय में इसका प्राइस जो है करीब करीब 31 रुपए 30 रुपए के आसपास आ गया था। वो देखिए यहाँ पे जो एक साल का जो प्राइस था वो 31 रुपए के आसपास आ गया था। डिविडेंड लो लगभग नाम मात्र का देती है, करीब डिविडेंड देने वाली कंपनी इसको नहीं बोला जाएगा। और ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी है जो इसका जो पर शेयर की जो इक्विटी है 1.29% है, बुक वैल्यू जो है इसका 90.7% है। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी के बारे में जानकारी। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पहले कंपनी का क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स देख लेते हैं या कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2017 से प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग लगभग सेम है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहा, लगभग लगभग सेम है। 56% की होल्डिंग बनी हुई है। FIIs ने 9% की होल्डिंग रखी, FIIs ने थोड़ा बहुत कम की अपनी होल्डिंग, बहुत कम की है। तो लगभग लगभग FIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, तो यह इसका मतलब कह सकते हैं डिक्रीजिंग हुई है होल्डिंग। DIS की होल्डिंग भी लगभग लगभग एक ही जैसी है और गवर्नमेंट के पास कोई शेयर्स नहीं है, इसके पब्लिक के पास शेयर काफी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में है और प्रमोटर के पास ठीक ठाक कंपनी के शेयर है, तो ये मान सकते हैं कंपनी के पास जो है प्रमोटर के पास अच्छे शेयर्स हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके पीयर ग्रुप वाली कंपनियां कौन सी। पीयर ग्रुप वाली कंपनी में देखिए आप, इसका मुकाबला बहुत दिग्गज दिग्गज कंपनियों से है और वो दिग्गज कंपनियां हैं MRF। इसका पी देखेंगे आप 27 है। इसका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही मार्केट लीडर है, बड़े बड़े टायर बनाने वाली कंपनी, बड़े का मतलब जो हैवी टायर्स बनाती है। हैवी टायर्स का मतलब आपको देखा होगा कि आप वो ट्रैक्टर में फार्मिंग के क्षेत्र में जो ट्रैक्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बनते हैं उनमें ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसका पी 33 है। अपोलो टायर्स देखिए इसका जो है 36 है पी, और सीट इसका 17 है। JK टायर इंडस्ट्रीज का एक्चुअली पी दिया नहीं है अभी तो, लेकिन जो इसका मुकाबला यहाँ पे दिख रहा है वो मुकाबला बहुत ही धमाकेदार दिख रहा है, क्योंकि मुकाबला बहुत बहुत दिग्गज लोगों से है। तो ये नहीं कह सकते ये छोटी मोटी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी अगर मतलब अगर कर रही है तो मुकाबला तो इसको बने रहने के लिए क्या करना होगा। तो ये तो कंपनी के जो है मैनेजमेंट के लोग ही जानते होंगे। तो चलिए कहाँ पे कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे 2275 करोड़ रुपए, एक्सपेंसेस 1990 है, 90 करोड़ रुपीज में है ये सारा का सारा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है मात्र 335 करोड़ दिखा है। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली 2 सितंबर 2020 का जो था वो काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 213 से देखिए यहाँ पे घटते हुए मतलब काफी एक मेंटेन बना के रखा है, जो कि जून में जो कि निगेटिव था उसके बाद इन्होंने इतनी जंप की है, करीब 300% की जंप की है, 300 355 का है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 16% की जंप है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम में 32 करोड़ की है, इंटरेस्ट 123 है, तो प्रॉफिटेबल टैक्स जो 167 करोड़ आता है, टैक्स इसका 35% में आता है, नेट प्रॉफिट इसका 105 करोड़ आया था और ईपीएस 4.26% है। तो कुल मिला के कंपनी काफी ठीक ठाक दिखती है कि माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए एनएससी में कारोबार क्या होता है। देखिए एनएससी में जो है देखते हैं तो जेके टायर इंडस्ट्रीज डालते हैं, तो यहाँ पे अभी जो कारोबार स्थिति दिखता है यहाँ पे 79 करोड़ 79 लाख एक्चुअली सॉरी सॉरी 79 लाख शेयर ट्रेड हो चुके थे और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है 21 लाख है, यानी कि परसेंटेज इसका जो है 26% आ रहा है। तो चलिए अब पे हम यहाँ पे कुछ टारगेट देखने की कोशिश करेंगे और ये टारगेट अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे और ये डेट है करीब 28 दिसंबर, यानी ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ अभी 1 महीने पुरानी बात है। तो 1 महीने पुराने में ये 67 रुपए का था और उसके बाद इसने यहाँ पे हाई बनाया था अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले नहीं, दो दिन पहले की बात है, सॉरी मतलब 15 जनवरी को जिसका हाई बनाया था 92 रुपए का, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग हुई है संडे। तो कुल मिला के इसमें काफी ज्यादा, अगर यहाँ से इसके लो से, यहाँ से देखिए अगर 24 दिसंबर से देखें और ये 15 जनवरी, यानी कि 20 और 15-20 ट्रेडिंग डेज में ही इसने करीब करीब 30% की ग्रोथ अचीव कर ली है यहाँ पे। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ अगर अचीव कर लेता है तो कोई स्टॉक, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो चलिए यहाँ पे हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर से जो हम यहाँ पे टारगेट देखते हैं, देखिए इसका जो मैक्सिमम टारगेट मुझे नजर आता है वो टारगेट इसका जो है 120 रुपए के आसपास, यानी 115 रुपए के आसपास नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक्चुअली ये स्टॉक काफी ज्यादा दौड़ चुका है और ये इस टारगेट को लगभग लगभग अचीव कर चुका है, जो ये टारगेट था करीब 13, एक्चुअली 1 नवंबर की बात है, ठीक है, नवंबर, यस, 2020, 1 साल पहले की बात है, ठीक है, हाँ 1 साल पहले इसने जो है करीब 84 रुपीज का हाई बनाया था, इस लेवल को तोड़ दिया है। तो इस लेवल को तोड़ने के बाद अब यहाँ पे ये 2019 के टारगेट जो है 100 रुपए के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जो टारगेट दिखता है उसका 100 रुपए का ही नजर आता है। तो बाकी आपकी मर्जी है, तो आप इसमें रिसर्च करें और इसको देखें, इस स्टॉक को समझें, अगर आपको समझ में आता है तो, क्योंकि ये टायर बनाने वाली कंपनी है तो कुछ ना कुछ टायर की डिमांड हो सकता है, नेक्स्ट सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अभी एक रिवाइवल आया है, जिस तरह से टाटा मोटर्स काफी ज्यादा उसमें आग लगी हुई है, तो जिस तरह से अभी बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी चल चुके हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के बाद अब ऑटो सेक्टर की बारी आ सकती है। उससे पहले फार्मा और आईटी चल चुका था, अब ऑटो सेक्टर काफी दिनों से नहीं चला था, ऑटो सेक्टर में जो है अगर चलेगा तो टायर बनाने वाली कंपनियां भी दौड़ सकती हैं। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, बाकी आप अपनी खुद करिए। देखिए यहाँ पे ना तो कोई बाइंग की रिकमेंड दी जा रही है, ना ही कोई सेलिंग की रिकमेंड दी जा रही है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की रिकमेंड दी जा रही है, बस आपको स्टॉक की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।